आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मथाई मंजूरन का, जिनका निधन 14 जनवरी 1970 को हुआ था। ट्रेड यूनियन के एक सक्रिय ऊर्जावान नेता मथाई को 1933 में स्नातक करने के तुरंत बाद किसान श्रम आंदोलन में भाग लेने के कारण महीनों तक जेल में रहना पड़ा। बाद में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें अनेक बार बंदी बनाया गया। इस बीच उन्होंने केरल सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। त्रावणकोर रियासत में मथाई का प्रवेश 2 बार प्रतिबंधित किया गया। जय भारतम्। आजादी के बाद मंजूरन केरल में कन्नूर के मदाई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बने। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। 1967 में वे श्रम मंत्री बने और 2 वर्ष तक इस पद पर रहे। 1970 में अपनी मृत्यु तक वे लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहे। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का नमन। आज हम विख्यात लेखिका महाश्वेता देवी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से शोषितों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। महाश्वेता देवी का जन्म जाने माने कवि और उपन्यासकार मनीष घटक के परिवार में हुआ था। उनकी माँ धरित्री देवी भी एक जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। महाश्वेता देवी पर गणनाट्य के साथ बचपन के जुड़ाव का गहरा असर था। गणनाट्य समूह ने 1930 और 1940 के दशक में बंगाल के गांवों में थिएटर के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में मास्टर डिग्री लेने के बाद महाश्वेता देवी ने एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम शुरू किया। उनकी पहली पुस्तक झांसीर रानी, झांसी की रानी 1956 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध के इतिहास को उकेरा गया था। ये रानी लक्ष्मीबाई के अत्यंत व्यक्तिगत इतिहास का चित्रण है, जो एक असाधारण महिला थीं। बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो गई लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्र सोच की बालिका से एक स्वतंत्र युवा नेता के रूप में विकसित हुई थीं। उन्हें एक दूरदर्शी सेनापति के रूप में दिखाया गया है, जो अपने सिपाहियों का पूरा ध्यान रखती है और एक माँ के रूप में अपने अबोध शिशु के लिए भी चिंतित होती है। '77 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अरण्येर अधिकार, वन पर अधिकार, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित थी। इसका कथानक 19वीं शताब्दी की अंतिम उथल पुथल भरी अवधि के इर्द गिर्द घूमता है। महाश्वेता देवी की लघु कथाओं के 20 संग्रह और लगभग 100 उपन्यास प्रकाशित हैं। ये मूलतः बंगला भाषा में ही है। उनकी प्रमुख कृतियों में 1084 माँ, रोदाली, मूर्ति और अरण्येर अधिकार शामिल है। महाश्वेता देवी को साहित्य जगत में अतुलनीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान। आम लोगों के हित के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रही महान हस्ती को भावभीना नमन।